हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रशांति गोपाल्स किचन। आज मैं आपके साथ रॉ राइस रावा भेज उपमा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए उपमा की रेसिपी देख लेते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस ग्लास से 2 ग्लास रॉ राइस का रावा लिया है। फिर मैंने कढ़ाई को प्री हीट करके उसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को ऐड कर लिया है। फिर उसमें 1 चम्मच राई और जीरा को डाल दिया। ये थोड़ा चटकने के बाद 2 टेबलस्पून पीनट्स, 1.5 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून मूंग दाल को भी ऐड कर लिया। फ्रेंड्स, आप चना दाल ना डालें तो भी चलेगा, मगर मूंग दाल तो डालना ही डालना है, इससे ही उपमा में अच्छा टेस्ट आता है। दाल और पीनट सब अच्छे से फ्राई होने के बाद 1 बड़े प्याज के पीसेस, 5 ग्रीन चिली और 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर को भी डाल दूंगी। फिर थोड़ा मिला के कुछ करी पत्ते को भी ऐड कर लिया। प्याज अच्छे से भूनने के बाद 2 कैरेट और 2 छोटे आलूओं को स्लाइसिस में काट के डाल दिया। और 1 छोटे शिमला मिर्च को भी ऐसे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर, स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड करके कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम में 3 मिनट के लिए। तीन मिनट हो चुके हैं, अब मैं पानी ऐड करूंगी। यहाँ पे हमें 2 ग्लास रावा के लिए 3.5 ग्लास पानी को ऐड करना है। पानी बॉईल होने के लिए कवर कर लेंगे। पानी बॉईल होने के बाद रावा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। फिर गैस को लो फ्लेम में रख के 10 मिनट के लिए उपमा को कवर करके कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा नॉन स्टिकी राइस रावा भेज उपमा रेडी हो चुका है। इसको आप ऐसे ही खाएं या चना करी के साथ या पिकल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।